हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 12, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो खास होने वाला है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको इसमें से ज़रूर कुछ क्वेश्चन आपको नए देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। यदि हमारे सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहे दोस्तों, पहला केंद्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? आपको आंसर देना है एम एफ हुसैन, अमिता शेरगिल, सोमनाथ चटर्जी या सतीश गुजराल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी एम एफ हुसैन को, ठीक है। एम एफ हुसैन को क्या मिला था? पहला केंद्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रकाशन बच्चों के लिए कई कलाकारों के द्वारा चित्रित किताबें प्रकाशित करता है, तो बताना है कौन प्रकाशित करता है, नेशनल बुक, इंडियन बुक, पुस्तक महल या तुलिका। तो दोस्तों, दूसरे का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, आप लोग आंसर देते रहिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तुलिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा, सीता अपहरण चित्रित करते समय राजा रवि वर्मा की मॉडल कौन थी? दोस्तों, मॉडल बताना है आपको, दमयंती थी या कुजुम्भी थी या पुष्पमाला थी या श्रीदेवी नायर थी। तो इनमें से आपको बताना है कौन थी जो सीता अपहरण चित्रित करते हुए राजा रवि वर्मा की मॉडल थी। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब हो जाएगा कुजुम्भी, ठीक है। कुजुम्भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, केरल के कौन से बाल कलाकार की मृत्यु 5 वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया है एडमंड थॉमस किलंट, दूसरा है शंकर, तीसरा दिया है सिलायम, चौथा दिया रविंद्र नायर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा एडमंड थॉमस किलन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, सभी वेल्लु गणपति मूर्ति कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है, हेलीवीड, एलोरा, हम्पी, अजंता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हम्पी में स्थित है, ठीक है। हम्पी में ये मूर्ति स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस जगह पर नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट नहीं है? तो आपको ये बताना है दोस्तों, मुंबई में नहीं है कि है, चेन्नई, बेंगलुरु या दिल्ली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी चेन्नई में नहीं है, बाकी सभी जगह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा, देख लेते हैं। सन 1913 में एसएच राजा को यह सम्मान मिला, कौन सा मिला दोस्तों? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक या पद्म भूषण मिला है, या भारत रत्न मिला है, या पद्म विभूषण मिला है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पद्म विभूषण इनको 2013 में मिला था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, गैंडे के शिकार का महत्वपूर्ण दृश्य कहाँ पर चित्रित किया गया है? दोस्तों, आपको बताना है विंडम मिर्ज़ापुर में, भंडारी मिर्ज़ापुर में, घोड़मंगोर मिर्ज़ापुर में, या आपका विजयगढ़ मिर्ज़ापुर में। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घोड़मंगर मिर्ज़ापुर में, ठीक है। घोड़मंगर मिर्ज़ापुर में
गैंडे के शिकार का महत्वपूर्ण चीज पूछते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा, प्रसिद्ध मैक्सिकन अभिव्यक्ता कलाकार कौन है? तो ऑप्शन दिया है कैमिली है, कैमिली क्लाउडेड है, ले ब्रस्को है, फ्रीडा कोहली है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रीडा कोहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मार्ग यह भारत की क्या है दोस्तों? कला स्कूल है, कला पत्रिका है, कलाकारों का क्लब है, कला गैलरी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कला पत्रिका है। ठीक है, क्या है? कला पत्रिका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोरी रस एक है, क्या है दोस्तों पोरी रस? इनमें से कुछ नहीं है, मतलब एक प्रकार का कपड़ा है, एक प्रकार का कठिन तख्त है, एक प्रकार का कागज़ है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा नंबर डी, एक प्रकार का कागज़ है। ठीक है, एक प्रकार का कागज़ है पोरी रस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा, सुदर्शन शेट्टी जाने यह जाने माने हैं, क्या है? लघु चित्रकार हैं, कला प्रोत्साहक हैं, अधिष्ठापन कलाकार हैं, शिल्पी है। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अधिष्ठापन कलाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। तेल रंग ट्यूब का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तेल रंग ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? बर्नार्डिनो कैंप, लुइस राय, जान गोल्फरंड या नडार? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन गोल्फ रैंड। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, अनीस हैं, अनीस कपूर हैं दोस्तों, क्या हैं? एक प्रदर्शनी कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, कला आलोचक हैं। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी एक क्या है, मूर्तिकार है, मूर्तिकार। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा, मुकुल चंद्र डे किसके लिए प्रसिद्ध जानते हैं दोस्तों? मुकुल चंद्र डे, तो दोस्तों मूर्तिकला, चित्रकारी या संस्थापन कला या ड्राइंग पॉइंट टीचिंग? दोस्तों मुकुल चंद्र डे को ड्राइंग पॉइंट टीचिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत में पहली छपाई प्रेस कहाँ प्रारंभ हुई? शिवकाशी में, पांडिचेरी में, वाराणसी में, गोवा में? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गोवा में हो जाएगा। ठीक है, गोवा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे दोस्तों? आपको बताना है अवनींद्रनाथ टैगोर, ई वी हेवेल, गगेंद्रनाथ या लॉर्ड किवनर? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड किवनर। ठीक है, लॉर्ड किवनर इस प्रश्न का सही जवाब माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, उषा रानी मूर्ति शिल्प के साथ अन्य किस क्षेत्र में कुशल थी? तो दोस्तों यह वास्तुकला में कुशल थी, संगीत कला में थी, कि भूदृश्चित्रांकन में थी या पात्र कला में थी? तो दोस्तों उषा रानी मूर्ति शिल्प के अलावा वह पात्र कला में क्या थी, कुशल थी। ठीक है, पात्र कला में कुशल थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी बड़ा, वह कौन सा मूर्तिकार है जो मंदिर उत्कीर्णन तथा काल से प्रभावित हुआ और पशु व मानव आकृतियों के विरूपण में प्रकृति से प्रेरणा ली? तो दोस्तों कौन से चित्रकार हैं, तो आपको आंसर देना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब बन रहा है तो वो क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर अजीत चक्रवर्ती। ठीक है,
अजीत चक्रवर्ती। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 20वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा, सहगल एक मूर्तिकार होने के साथ साथ और क्या है दोस्तों? एक अच्छे चित्रकार और छायाकार हैं, अच्छे लेखक और गीतकार हैं, या अच्छे फोटोग्राफर फिल्मकार हैं, गिटार वादक के संगीतकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब क्या बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब बन रहा है, अच्छे चित्रकार और छायाकार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, मीरा मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? मीरा मुखर्जी का जन्म, तो दोस्तों मीरा मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको आंसर देना है मुंबई, दिल्ली, खड़गपुर, कोलकाता। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में हुआ था मीरा मुखर्जी का जन्म। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्राइज अनहर्ड नामक शिल्प किस कलाकार की कृति है? क्राइज अनहर्ड, ठीक है, क्राइज अनहर्ड सोमनाथ होर का है, अमरनाथ सहगल का है, अजीत चक्रवर्ती का है, महेश पांडे का है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हमारा हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी अमरनाथ सहगल जी का है क्राइज अनहर्ड नामक शिल्प। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों लिख लेते हैं, शिवा डांसिंग नामक शिल्प में प्रयोग हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है दोस्तों? सीमेंट का, वुड एंड ब्रास नेल्स का, या लकड़ी का, या प्लास्टर का? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब बन रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी प्लास्टर यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1957 ईस्वी में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली के क्यूरेटर बने दोस्तों, कौन बना था? रामकिंकर बैच, बलवीर सिंह विष्ट, अमरनाथ सहगल, या प्रदोष गुप्ता? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब बन रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी प्रदोष दास गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों देख लेते हैं, शिल्प जय हिंद एवं कंडोलसेंस में क्या प्रयोग हुआ है? आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना है दोस्तों कांस्य, सीमेंट, या पीतल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कांस्य। ठीक है, क्योंकि कांस्य में क्या हुआ है, आपका प्रयोग हुआ है शिल्प जय हिंद और कंडोलसेंस में। ठीक है, तो दोस्तों आज के इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन कैसा था आप ज़रूर बताइए कमेंट में, और यदि कोई सुझाव हो या कोई त्रुटि हो आप उसे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।